गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी इस ऑनलाइन क्लास में क्षितिज बुक में सम्मिलित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि आपका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की दो कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। पहली कविता उत्साह और दूसरी कविता अट नहीं रही है। इन दो कविताओं के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तत्कालीन समय में अपने सामाजिक परिदृश्य को, सामाजिक स्थिति को एक नए दिशा की ओर ले जाने की भावना को अभिव्यक्त किया है। स्टूडेंट, पाठ्यक्रम में सम्मिलित कविताओं का अध्ययन करने से पहले हम आप लोग एक संक्षिप्त रूप में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। सबसे पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विषय में यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि के रूप में माने जाते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के आधुनिक कालखंड के छायावादी युगीन कवियों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आप सभी जानते हैं कि चार कालखंडों में डिवाइड किया गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये जो आधुनिक काल का समय था, लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य का जो समय, एक परिवर्तन का युग था। उसी आधुनिक कालखंड के छायावादी युगी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी माने जाते हैं। छायावाद के चार स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, ये जो चार स्तंभ कवि माने गए, इन चारों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। आते हैं अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जन्म के विषय में। तो इतिहास और आचार्यों के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म लगभग 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, या कहें कि सन 1899 ईस्वी में बंगाल राज्य के महिषा दल में हुआ था। परंतु
जन्म तो इनका बंगाल राज्य के महिषा दल में हुआ था, परंतु मूल रूप से ये उन्नाव जिले जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला नामक गांव के मूल निवासी माने जाते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का शिक्षा नवमी तक महिषा दल में ही हुई, जो आपके बंगाल राज्य में है। निराला जी की स्व अध्याय या सेल्फ स्टडी की जो स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इन्होंने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान अपने स्वाध्याय के माध्यम से प्राप्त किया। संगीत और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में भी निराला जी की रुचि अत्यधिक थी और दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से देखें तो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की जो विचारधारा है वो निराला जी के जीवन में अत्यधिक पड़ी। अब आते हैं निराला जी की पारिवारिक स्थिति के विषय में। निराला जी की पारिवारिक स्थिति का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि निराला जी का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था, क्योंकि इनके माता जी का शैशवावस्था में ही देहांत हो गया और पिता का भी बचपन में ही देहांत हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ये जीवन से अकेले हो गए। और इस असामयिक निधन ने निराला जी को एकदम से अंदर से हृदय से द्रवित कर दिया, दुखी कर दिया, जिनकी भावना अभिव्यक्ति निराला जी की कविताओं में परिलक्षित होता है। पारिवारिक और अपने जीवन के संघर्षों के कारण प्रकृति से प्रेम निराला जी का बहुत रहा। वस्तुतः छायावादी युगीन कविताओं में प्रकृति को विषय मान करके अनेक कवियों ने वर्णन किया है, निराला जी भी उस प्रकृति से अछूते नहीं रहे। प्रकृति से ही अपने हृदय को एकीकरण करके और उसी के माध्यम से अपनी कविताओं को रचने का प्रयास किया। साहित्य के क्षेत्र में अनवरत जीवन पर्यंत अपना संघर्ष करते रहे और साहित्य के क्षेत्र में एक अच्छा योगदान देते हुए सन 1961 के आसपास अर्थात 1961 में निराला जी का देहांत हो गया। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं के विषय। तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास का अवलोकन करते हैं तो यह प्राप्त होता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लेखनी साहित्य के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देती है, खास तौर पर कविता, उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध आदि के क्षेत्र में निराला जी की महत्वपूर्ण उपयोगिता रही। इनकी प्रमुख रचनाओं में
अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि, और इनकी निराला रचनावली के 8 खंडों में इनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी इन कविताओं और उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना लाने का प्रयास किया और तत्कालीन समय में शोषक और शोषित वर्ग के बीच जो संघर्ष चल रहा था उस दृश्य को परिलक्षित किया और शोषितों के प्रति कंधे से कंधे मिला करके चलते रहे और शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना करने का पूर्ण रूप से अपना योगदान देते रहे। इसके बाद आते हैं निराला। विस्तृत रूप से सरोकारों के कवि हैं, दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। अर्थात जब आप निराला जी की कविताओं का वाचन करेंगे, अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो आप देखेंगे कि कविताओं में दार्शनिकता के भाव प्रकट होंगे, विद्रोह के भाव प्रकट होंगे, क्रांति के भाव प्रकट होंगे और प्रेम की तरलता भी और प्रकृति का विराट स्वरूप भी चित्रित होगा। निराला जी के विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों का संभव किया। सबसे बड़ी बात यह है कि छायावादी रचनाकारों में सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग निराला जी ने अपनी कविता में किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जो समाज की जनता थी उसके प्रति उनकी कविता में जहां सहानुभूति के भाव मिलते हैं, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार के भाव भी प्रकट होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां पर आप ध्यान देंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविताएं हैं उनमें जहां एक ओर जो हमारे तत्कालीन समय में अर्थात 19वीं 20वीं शताब्दी के आसपास जो समाज की जनता थी विदेशी शासनकर्ता या अंग्रेजी हुकूमत या जमींदारी जमाने में जो शोषित वर्ग था, गरीब वर्ग था, निसहाय व्यक्ति था, उसके प्रति उन्होंने सहानुभूति के भाव दिखाए और उसी के साथ साथ शोषक वर्ग जो है उस शोषक वर्ग के प्रति उनके विरोध के भाव भी प्रकट होते हैं। आगे देखते हैं कि जो आपकी कविता आपके पाठ्यक्रम में रखी गई है उस पाठ्यक्रम की जो कविता है उनके भाव पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि क्या कविता का मूल भाव है। सबसे पहले हम लोग जो आपकी कविता उत्साह है उस उत्साह कविता के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मूल रूप से इसमें किस भाव का वर्णन है। तो बता दें कि उत्साह एक आवाहन गीत है। आवाहन गीत क्या होता है? आवाहन करने का मतलब होता है किसी को आवाहन करना, किसी को बुलाना, किसी को आमंत्रित करना,
वही आह्वान कहा जाता है। तो यह आह्वान गीत जो बादल को संबोधित करता है। कवि निराला जी का प्रिय विषय अपनी कविताओं में बादल रहे हैं, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी अनेक कविताओं में बादलों की चर्चा अत्यधिक की है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बादल का जो प्रतीक है उनको अत्यधिक उचित लगा, इसलिए बादल की चर्चा अत्यधिक की। इस कविता में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को कवि के रूप में माना। दो अर्थ दो भाव इनके निकलेंगे, एक तो मूल रूप से बादल के अर्थ में और एक मूल रूप से कवि के अर्थ में। क्यों कवि के अर्थ में? क्योंकि निराला जी की दृष्टि में या साहित्यकारों की दृष्टि में, आचार्यों की दृष्टि में कहें तो साहित्यकार जो होते हैं या साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो सामाजिक क्रांति को लाने में या सामाजिक बदलाव को लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बादल को संबोधित करते हुए इन्होंने कवि को संबोधित किया और कहा कि कविता में बादल का जो स्वरूप आपका चित्र दर्शाया जाएगा उसमें आप ध्यान देंगे कि जहां एक ओर बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है ना, अर्थात एक ओर आपको उस रचना में देखने को मिलेगा कि बादल जो है, जो गर्मी से सताए हुए व्याकुल प्यासे लोग हैं उनको अपने बादलों की उम्मीद से, अपने जल की वर्षा से, अपने बादल की छांव से ठंडी ठंडी शीतलता प्रदान करके और वर्षा करके उनकी प्यास को बुझाते हैं, उनको आनंदित करते हैं, उनको प्रसन्नचित करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जहां वह प्यासे और तप्त जन को आनंदित करता है, प्रसन्नचित करता है, वही दूसरी ओर वह विध्वंसक के रूप में भी और विप्लव के रूप में भी अपने स्वरूप को दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि निराला जी का मानना है कि जब तक कोई परिवर्तन तभी संभव होगा नया, जब पुरानी चीजों को नष्ट किया जाएगा। जैसे फसल उगाते समय बीजों को जो है क्या करता है, वर्षा से, पानी से वह बीज नष्ट हो जाता है, पुराना बीज नष्ट हो करके नए अंकुर का निर्माण करता है, अंकुरों का निर्माण करता है और उसके साथ साथ नए बीजों का, नए अन्न का निर्माण होता है। उसी तरह कहीं ना कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि कवि जो है वो समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाता है, ऐसी कवि कर्म के माध्यम से चेतना लाता है जिसके माध्यम से पुरानी परंपरा को, पुरानी दासता को छोड़ करके एक नए परंपरा की ओर, एक नए नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ता है। इसके पश्चात आप देखें तो कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है, अर्थात जो कवि है वो जीवन को बड़े विस्तृत रूप से और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। क्रांति की चेतना अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तत्कालीन समय में जो भारतीय जनता थी, आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा,
तो भारतीय जनता ने विदेशी हुकूमत को स्वीकार कर लिया था और उन्हीं की दास्ता में रह करके अपने जीवन को जीने का एक तरीका अपना चुकी थी। यद्यपि वह कठिन जीवन व्यतीत करता था परंतु अपने जीने का एक वह माध्यम समझ बैठा था। परंतु निराला जी जैसे कवियों, निराला जी अपने साथ साथ अन्य कवियों को भी आवाहन किया कि आप ऐसी कविताओं की रचना करिए, चेतना परक कविताओं की रचना कीजिए, ऐसी गर्जना परक कविताओं की रचना कीजिए जिससे समाज, सदियों से समाज का जो पीड़ित वर्ग है, सदियों से सताया हुआ जो मानव है, मानव समुदाय है, वह अपने हृदय में एक उत्तेजना लेकर के आगे बढ़े और क्रांति करे, विद्रोह करे और एक नई स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ जाए। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह बताने का प्रयास किया कि सामाजिक क्रांति और बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला ने साहित्य को जनजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो हम लोग यह ध्यान देंगे कि इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवियों को बादल के माध्यम से कवियों को आह्वान किया है कि आप ऐसे कवि कर्म करिए, ऐसी कविताओं की रचना कीजिए, ऐसे ओजस्वी स्वरूप कविताओं की रचना कीजिए जिससे हमारे देश के पीड़ित, दलित, सताए हुए, शोषित वर्ग के हृदय को एक नए उत्साह का काम करे और जब मन में उत्साह होगा तभी व्यक्ति एक नए परिवर्तन की ओर आ पाएगा। ऐसी कविताओं की रचना करिए, ऐसी कविताओं को रचना करने का आह्वान सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी करते हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि चलते हैं अब हम आप लोग उत्साह कविता की ओर कि क्या उन्होंने वर्णन किया है। देखिए सबसे पहले उत्साह, उत्साह अर्थात मन में प्रसन्नता लाना। इस कविता का मतलब ही यही है कि तत्कालीन समाज में, तत्कालीन समय में हमारी जो भारतीय जनता थी वह इतना दुख और कष्टनीय जीवन व्यतीत कर रही थी कि उसके जीवन में एक निराशा की भावना आ चुकी थी जिसके माध्यम से उन्होंने एक उत्साह लाने का प्रयास किया कि ऐसी कविताएं की रचना की जाए जिससे हमारे निरुत्साहित जनता को एक उत्साह की भावना आए। कैसे? कहते जैसे बादल, बादलों की गर्जना को सुन करके, बादलों को देख करके किसान या गर्मी से पीड़ित व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्नचित हो जाता है। तो जब देखिए बादल गर्जो घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ, बादल गर्जो अर्थात हे बादलों गर्जो के बाद देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, अर्थात वो बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि बादल गर्जो, हे बादलों, हे बादल तुम क्या करो, घेर घेर घोर गगन, घोर माने अत्यधिक गर्जना युक्त, घेर घेर अर्थात उमड़ उमड़ करके क्या करो, ऊंची आवाज में, ऊंचे ऊंचे आवाज करते हुए क्या करो,
गगन में, गगन माने आकाश, क्या करो आकाश में छा जाओ और अर्थात पूरे आकाश को घेरते हुए छा जाओ धाराधर। ओ धाराधर माने बादल हो, धाराधर, धाराधर बादल को ही कहा गया है। धाराधर बादल का विशेषण है क्योंकि धारा अर्थात जल को धारण करने वाले धाराधर ओ संबोधन लगा हुआ है, कह रहे हैं कि हे बादल तुम गर्जना करते हुए आओ और तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंचे ऊंचे स्वरों में क्या करो संपूर्ण आकाश को घेर लो। तो ये तो हुआ बादल के अर्थ में, लेकिन पूर्ण रूपेण से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कवि का आवाहन किया तो बादल बादल कवि गरजो, हे कवियों हे कवि आप अपनी कवि रचना से और ऐसी कवि रचना जो घनघोर उत्साह प्रदान करने वाली हो, जो ऊंचे स्वर वाली हो, क्यों, क्योंकि ऊंचे स्वर से इसलिए संबोधन किया कि अत्यधिक सोते हुए जो सो चुकी है, जो आलसपन से युक्त हमारी जनता है, जो इतना कष्ट पा करके इतना दुख पा करके निरुत्साहित हो गई है, एकदम शिथिल हो गए हैं, ऐसी जनता के हृदय में अगर उत्साह लाना है तो कविताओं को गर्जना युक्त होनी चाहिए अर्थात उत्साह से परिपूर्ण होनी चाहिए, कविता में ओजस्विता होनी चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप हमारी जनता के हृदय में एक उत्साह की भावना आ सके। और क्या कहते हैं, ललित ललित काले घुहराले बाल कल्पना के से बाले, कह रहे हैं कि आपकी सुंदरता है ना, अरे बादल है ना, हे बादल ललित ललित तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार है ना, और क्या हो काले घुंघराले है ना, काले रंग वाले हो है ना, काले घुंघराले जिस प्रकार से बाल होते हैं है ना, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बाल जो है घुंघराले होते हैं वैसे जो है आप काले काले घुमावदार रंग वाले हो और बाल कल्पना के सिपाले और तुम बच्चों की विचित्र कल्पना, बाल कल्पना बाल मन अर्थात छोटे बच्चों की जिस प्रकार से कल्पना होती है कैसे पाले, इस प्रकार से कल्पना के पतवार होते हैं बच्चों के, उसी प्रकार से आप भी बाल मन के अर्थात जिस प्रकार से बालक की कल्पनाएं, बालक के विचार किसी स्थिर नहीं होते हैं, वो किस क्षण किस वातावरण के अनुकूल आकर के अपने विचार को एक नए दिशा की ओर ले जाता है, उसी तरह कवियों की जो कल्पनाएं होती हैं वो किसी एक विचार में नहीं होती है, वो जैसे अनुकूल वातावरण देखते हैं उसी के अनुरूप अपने विचार को परिवर्तित कर लेती है। और क्या कहते हैं, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, विद्युत छवि उर्मे हे नव जीवन वाले, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, हे नव जीवन वाले, हे नए जीवन को प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि है ना, कवि बादल रूपी कवि रूपक अलंकार है, बादल रूपी कवि क्या करो विद्युत छवि उर्मे, उर्माने हृदय, विद्युत माने बिजली, कह रहे हैं कि बिजली के समान हृदय में बिजली की छवि छवि माने कांति है ना, कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र छिपा है ना, वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है और नूतन कविता है ना, तुम अपनी बिजली की चमक जो छिपी हुई है, जो आपके अंदर जो गर्जना की जो ओजस्विता की शक्ति छिपी हुई है उसके माध्यम से क्या करिए आकाश में फिर से एक नई कविता की रचना करो, संचार करो,
कभी बादल के गर्जना को आवाहन कर रहा है कि फिर भर दो बादल गर्जो, हे बादल फिर से उस आकाश को भर दो, एक नव युक्त कर दो, एक प्रसन्नचित कर दो, जो तप्त है वातावरण उसको फिर से एक बार हरा भरा कर दो, हे बादल गर्जो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अंत में यह कहा बादल के माध्यम से कि हे कवियों, हमारे देश की जो जनता है, देश की जो गरीब निसहाय और सदियों से सताई हुई जनता, अंग्रेजी हुकूमत से दासता को स्वीकार कर चुकी, जो जीवन को कष्ट में व्यतीत कर रही है, ऐसे निरुत्साहित जीवन में अपनी नई कविताओं का फिर से संचार कर दो, जिसके माध्यम से हमारा देश फिर से स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़े, स्वतंत्रता को आगे ले जाए, अर्थात ये हमारा भारत फिर से एक बार स्वतंत्रता को प्राप्त करे, ऐसा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कवि को आवाहन करते हुए कहते हैं। अब जरा देखिए, आ जाइए अलंकार में, घेर घेर, ध्यान दीजिए, घेर घेर आपका अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश की है, और इसके साथ साथ आप लोगों का अनुप्रास अलंकार भी है, बाल कल्पना कैसे ताले उपमा अलंकार है, और विद्युत छव्य उर्मे कवि नवजीवन माले रूपक अलंकार है, अर्थात और बादल का मानवों की क्रियात्मकता से जोड़ा गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी है। तो अलंकार की दृष्टि से देखें तो अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और मानवीकरण अलंकार भी प्रयोग किया गया है, और संस्कृत निष्ठ भाषा है, और दूसरी बात इसमें उत्साह है ना, वीर रस की प्रधानता दिखाई दे रही है, और भाषाओं में एक ओजस्विता है, भाषा में एक ओज है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उत्साह कविता के आगे और अट नहीं रही है कविता को लेकर के आगे की ओर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के विचारों को समझेंगे। सभी स्टूडेंट्स भावार्थ को समझते रहें, अगर कोई समस्या होती है तो वो पूछ सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।